वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। टर्बन ट्रैवलर दी स्पिरिचुअल जर्नी यात्रा तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी देखण वाली सारी संगतां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल ते जी आयां नूं। अज इस स्थान ते असीं खलोते हैगे आ। इह स्थान गुरद्वारा किला लौगर साहिब गुरु का महल तो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान के उत्ते एक बहुत डूंगा इतिहास है। इतिहासकारा का कहना हैगा कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो उपरांत गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अमृतसर विखे अकाल तख्त साहब की स्थापना की। उस दे उपरांत हुक्मनामे जारी होए ते सारे सिखां नूं हुक्म होया कि शस्त्र विद्या वो सिखण ते धारण करन शस्त्रां नूं। इस स्थान के उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी अपनी फौजां नूं शस्त्र विद्या सिखाया करते सीगे। इतिहासकारा का यह भी आखना हैगा कि यह वो स्थान है जिथे बाबा बुढ़ा जी ते बाबा गुरदित्ता जी की निगरानी दे विच तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इत्थे भेजा गया ते उन्हां नूं भी शस्त्र विद्या इत्थे सिखाई गई। आओ सब तो पहले अंदर चलने हैं, गुरद्वारा साहब के दर्शन करने हैं, आप जी नूं भी कराने हैं ते नाल इत्थे दा विस्तृत इतिहास आप जी नूं अंदर जाके दसने हैं। शरण तुम्हारी आए बादशाह जीओ। गुरद्वारा किला लौगड़ विखे शस्त्र विद्या की देन की जिम्मेवारी भाई जेठा जी की सी। इतिहासकार कहते हैं कि गुरु साहब के सारे बच्चों भाई जेठा जी ने ही इत्थे शस्त्र विद्या का दान बख्शिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इतों ही तीर कमान, घुड़सवारी, तलवारबाजी इत्यादि होर बहुत सारिया शस्त्र विद्यावान सीखिया जिड़िया कि अगे जा के उन्होंने जंग विच काम आईया ते ओह त्यागमल तो तेग बहादुर बने। यह भी आख्या जाता है कि संगीत शिक्षा की प्राप्ति भी उन्होंने इतों ही की। शरण तुम्हारी आए बादशाह जियो। शरण तुम्हारी आए बादशाह जियो। गुरु नानक देव जी के वेले रबाब आ चुकी सी ते गुरु अमरदास जी ते गुरु अर्जन दास जी वेले सरंधा आ चुकिया सन अते गुरु हरगोबिंद साहब जी वेले सरंगी नूं मान्यता दी गई। बाबक जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं रागां दी शिक्षा दी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपना भी राग है जय जयवंती राग। गुरु तेग बहादुर जी मृदंग बजाण विच बहुत ही माहिर सन। आप जी मृदंग नाल कीर्तन करते सन। गुरु तेग बहादुर साहब जी के 59 शब्द 57 श्लोक ते कुल 116 शब्द गुरु ग्रंथ साहब के 15 रागों में दर्ज हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं चिकित्सा अते विज्ञान का बहुत ही ज्ञान सी। आप जी नूं बूटिया उगाण का भी बहुत तजुर्बा सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तरन तारण विखे कोड़ियां वास्ते एक चिकित्सालय खोलिया सी ते ऐसा भी आख्या जाता है कि जिस वक्त लाहौर में अकाल पिया सी उन्होंने कोड़ियां की बहुत मदद की सी। ऐसी चिकित्सालय के तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चिकित्सा विज्ञान की प्राप्ति की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साहसन जीओ। अज जिस महान पवित्र स्थान का तुम दर्शन कर रहे हो ये मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जिन्होंने पहली जंग सिख इतिहास की
इस स्थान पर लड़ी। ये जंग बाई तो चालू हुई गुरद्वारा पलाह साहब तो, जो सिखा ने जहांगीर बादशाह का बाज खोलिया तो उन्होंने बाज मंगया, सिखा ने दिता नहीं। तो जो उन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की तो गुरु के सिखा ने कहा अज ही तुहाडा बाज खोया है, कल ही तुहाडा ताज भी खोवांगे। ये झगड़ा करके वो अपने लाहौर दरबार चले गए। उतों 7000 फौज लैके मुखलिस खान 1687 हमला करने वास्ते आया। साहब श्री हरगोबिंद पातशाह जी को पता लगा भी मुखलिस खान अपनी फौज लैके आ रहा है, तो गुरु साहब जी ने अपने सारे सिंह बहादुर जो सन इत्थे एक पठा हुंदा सी पहले जिहदे चार चफेरे वार की हुई सी, गुरु साहब ने इत्थे किले दा रूप दिता उहनूं ते अपने सिंह सारे तैनात कर दिते। जदों फौज आई मुखलिस खान दी ते उन्हां कोल छोटियां तोपां भी सन, बड़ी गह गच लड़ाई हुई बाहर, बड़ियां शहीदियां होईयां। इस स्थान ते 13 सिंह शहीद होए सन। ते जदों उन्होंने देखा भी तोपां चल रही ने ते उन्होंने बेनती की, गुरु जी धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी मालक दीन दुनिया के मालक पातशाह ने बेनती हुई कि पातशाह जी दुश्मन को ते तोपां ने। ते गुरु साहब जी ने कहा सिखो तुहाडे कोल बड़ी वड्डी तोप है, इत्थे एक बेरी का रुख सी जिहदे बड़ा वड्डा खोल सी, उहदे दर्शन अज भी कर सकते हो, वह शीशे विच मड़ा के रखी गई है। गुरु साहब जी ने हुक्म दिता भी इहदे विच इट्टां रोड़े केरी पा के प्रीता ला के अग ला दिओ, ये तोप तो ही वध चलेगी। जदों तोप चली तो दुश्मन का बहुत ज़्यादा नुकसान होया, तो अले अले करदे तोप भज गए। इस स्थान उत्ते ही धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने बाद दे विच शहर की रक्षा वास्ते एक किला बनाया जिहदा इतिहास बहुत सुंदर है। असीं चाहते हाँ कि जदों कोई यात्री कोई गुरु के सन दर्शन कर आते हैं दरबार साहब गुरद्वारा किला श्री लोहर साहब जी विखे भी आकर दर्शन करन, ताकि असीं अपने सिख इतिहास तो जाणू हो सकीए कि गुरु साहब जी ने बिना बहुत ही शस्त्रों सिखलाई तो अपने सिखा के नाल 7000 फौज जो कि बहुत ट्रेंड सी उन्होंने मार मुका के पहली जित हासिल हुई। इतने शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो, शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆੰਕਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀ ਤੋਪ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਟੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਸ਼
शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो असी, शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने तो उपरांत संगत जी आप जी लैके चलने है उस खूह साहब के दर्शन कराने वास्ते, जिड़े कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इतने की फौजा की पानी की जरूरत पूरी करने वास्ते इतने लगवाया सी। वो इतिहासिक खूह अज भी इतने मौजूद है, आओ आप जी भी उसके दर्शन करो। संगत जी यह वो इतिहासिक खूह है जिहड़ा कि पुरातन है, पर बाद विच कार सेवा दे बाबा जी बाबा जगतार सिंह जी ने इहदी सेवा कीती ते इहनू पक्का कराया ताकि यह मजबूत रहे। तुसीं देख सकते हो इहदे उत्ते एक जंगला लग्या होया हैगा ते इहदे अंदर चारों तरफ प्लस्तर भी कीता होया है। आओ तुसीं भी इहदे खूह दे दर्शन करो।